जनसुनवाई में भी नहीं हो रही सुनवाई, बुजुर्ग महिला लगा रही कलेक्टर के चक्कर, बेखौफ घूम रहे संपत्ति हथियाने वाले। पिपरिया तहसील के ग्राम तरुण कला की बुजुर्ग महिला जीवन बाई की सुनवाई कलेक्ट्रेट जनसुनवाई तक में नहीं हो रही। 3 साल पहले से कलेक्टर से पहले सभी अधिकारी के चक्कर काट रही बुजुर्ग ने बताया, पटवारी उमेश बरेली ने भ्रष्टाचार कर हेरा फेरी की और मेरे पति की वसीयत बनवाकर मेरे परिवार के अन्य लोगों के नाम करा दी, जिसमें तहसील के और भी अधिकारियों ने उनका साथ दिया। जिन लोगों ने संपत्ति अपने नाम करवाई वो राजनैतिक संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मेरे पति के निधन के बाद हमारी 14 एकड़ जमीन गलत तरीके से हथिया ली गई। मेरे द्वारा कमिश्नर नर्मदापुरम, कलेक्टर नर्मदापुरम, तहसीलदार पिपरिया, एसडीएम पिपरिया तक से गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तब से अब तक कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ। तरुण पिपरिया तहसील का जो तरुण जो ग्राम था, जिसके जिसका हमने पिछली भी बार खबर लगाई थी जन सुनवाई में, वो पिछले हफ्ते भी आए थे और इस हफ्ते फिर आई हैं वो, और हम उनसे पूछेंगे, आप जन सुनवाई में आई थी? आए थे। पिछली बार भी आप आए थे? आए थे। अभी कोई निराकरण हुआ? नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अभी अधिकारियों ने आपकी बात सुनी? नहीं सुनी। नहीं सुनी। किसी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं भाई, किसी से नहीं हुई। जन सुनवाई में आप मिल भी नहीं पाए किसी से? अच्छा, आवेदन दिया था आपने यहाँ पर ना? दिया था ना? तो अभी किसी ने आपको बुलाया नहीं? नहीं बुलाया। अभी आपका निराकरण मतलब कुछ भी नहीं हुआ है? अभी जो 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 स्थिति थी वही है, वही वही चल रही है। आपकी जमीन मतलब कि अभी दूसरों के पास ही है? हाँ। आप बताएं भैया, पिछली बार भी आप आए थे, पिछले हफ्ते भी आए थे जन सुनवाई में, अभी क्या क्या स्थिति? स्थिति जहाँ के तहाँ है, पिछली बार जहाँ थी अभी भी वही है। कोई कुछ नहीं, अभी कोई किसी ने आपकी सुनवाई नहीं करी? कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा, कलेक्टर साहब की मुलाकात हो पाई? नहीं हो पाई। नहीं नहीं हो पाई। वो बाजू में अपर कलेक्टर बोलते हैं, दो सर डी के सिंह और एक और हैं जी, मतलब वो तो कहीं एसडीएम को भेज देते हैं, कहीं तहसीलदार को भेज देते हैं, उन्हीं का प्रकरण है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है ही नहीं। विभागीय अधिकारियों के ऊपर कोई परेशानी नहीं है मतलब कुल मिला के? नहीं, कोई परेशानी। विभागीय अधिकारी आपकी कोई भी परेशानी का संज्ञान में नहीं ले रहे? नहीं 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 ले रहे, कोई भी संज्ञान में नहीं ले रहे। तो आप देखिए कि पिछले हफ्ते भी परेशान थे, अभी भी परेशान है, सुनवाई अभी भी नहीं हुई है, सुनवाई पहले भी नहीं हुई थी, सुनवाई अभी भी नहीं हुई, 3 साल से तो चक्कर काट रहे हैं और अभी भी वही स्थिति है। अब देखने में आएगा कि अभी भी आवेदन दे रहे हैं, आवेदनों का क्या फर्क पड़ता है। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।